इसको बोलो ऐसे साइलेंट साइलेंट बनाएंगे। तो गाइस ये मेरी फ्रेंड है जो गुड़गांव से आई है, बहुत दूर से आई है और अभी मेरे से मिलने आई है। इसके बाद अभी पूजा में जा रही है, क्या श्राद्ध पिंड दान करने आई है। तो बहुत दूर से आई है, देख सकते हो गया में, मतलब एक अच्छा धाम है गया अभी। और ये इनके हस्बैंड हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़ा मतलब। हाँ तो आई है और अभी जा रही है बस चाय पी कर। बहुत अच्छा लगा मिली चाय पी और नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कुछ खा लो, बहुत लेट हो जाएगी। खा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, नहीं तो किसने सोचा यहाँ आ जाएंगे। सही बात है, वहाँ तो चलो गुड़गांव के आसपास तो मिल भी लेंगे। सही बात है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद कहीं जाता है, मिलता है तो बोलते हैं भाई आना, ठीक है। हाँ आएंगे, मतलब रेनू इतनी क्लोज है, कितनी क्लोज है एक सिस्टर जैसे, बट वो भी नहीं आ पाई। एक बार उसका प्लान भी बना तो उस टाइम वो जी छोटा था तो नहीं आ पाई। और फिर उसके बाद अब तक अब क्यों जाऊँ, बहुत बड़ा धाम है अपने मित्रों को हम ना तार में तार देते हैं। एक बार उनका श्राद्ध कर देते हैं उसमें मिल जाते हैं देवों में। अच्छा अच्छा, भटकते नहीं है। अच्छा हाँ यही बोला जाता है, मेरे पापाओं को भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। श्राद्ध वगैरह तो हर साल श्राद्ध करते हैं ना अपने घर पे। हाँ हाँ, यहाँ एक बार कर जाएंगे सारे करने के लिए, करने की जरूरत नहीं है और हर कोई कर नहीं पाता जल्दी से, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर भागवत आखंड फिर ब्रह्म भोज कराया जाता है। अच्छा, उसमें जितने लोगों को खिला सकते हैं अच्छा होता है, मतलब गाँव का कुत्ता भी है ना वो भी कुत्ता नहीं रहना चाहिए उसको भी, जो भी है उसको। आस पास क्षेत्र में हमारे मतलब ठाकुर में 28 गाँव है, 2800 गाँव को खाना खिलाना है। और कुछ बोलो सौरे सिंह, मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि आप मासी के साथ जाओगे कहीं। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी और फिर ऑफिस आने के बाद चलेंगे है ना, फिर घूमने चलेंगे, फिर वहाँ पे भी ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा खुशी दो दिन से मिलने की बात मुझे ऐसा सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो पाएगा, कभी मिल पाएंगे। सही बात, वही मिल लेंगे जैसे ही होता है कि भाई गुड़गांव में आए तो मिल लिया। मिल लिया, सही बात है, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे भी पता है बहुत वेट करती हूँ कि कोई आए घर में कि बात करने का मुझे टाइम मिले, और पता नहीं बहुत मन हल्का लगता है बात करने से। आपको कैसा लगा आप भी बताओ, मासी यही तो कैसा लगा? अच्छा, अच्छा इतना अच्छा लगा कि स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है, स्कूल नहीं जाऊँगा। तो गाइस मेरी फ्रेंड चली गई और मैं अब कर रही हूँ घर, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। तो अभी वो गई है पितृ पक्ष पूजा करने, जो भी पितृ का पूजा होता है वो करने। और आप लोग देख सकते हैं कितने दूर से आई है, ये आई है गुड़गांव से आई है, तो बहुत दूर से आई है। एक प्यार ऐसा होता है ना कि आदमी को खींच के, ये आई थी तो अपने काम के लिए, बट होता है कि जिसके साथ आदमी रहो अच्छा व्यवहार होता है तो ज़रूर लगता है कि उससे मिल कर जाए। तो वो गई अभी, फिर मिलूंगी मैं राहुल से। अभी वो पूजा वगैरह कर लेगी, उसके बाद मैं फिर उससे मिलूंगी। और वो कहीं घूमने का उसको टाइम मिला तो मैं साथ में जाऊंगी। और बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर पे कोई आता है ना, तो मुझे मिल के बहुत खुशी होती है।
और बहुत अच्छा फील होता है। मुझे आज तक ये फील नहीं होता है कौन अपने हैं कौन पराए हैं, सब हमारे अपने ही हैं। अगर किसी से लगाव है तो सारे लोग हमारे ही अपने ही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई फीलिंग नहीं होता है कि कोई दूसरा है पराया है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए, हो सकता है घूमने जाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा ब्लॉग भी दूंगी। और क्या बोलूँ, अभी तो मैं काम करूंगी अपना, क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है मेरा, तो अभी पोछा लगाना बाकी रह गया है। और मॉर्निंग में 4:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि 4:30 बजे मेरे फ्रेंड का कॉल आया तो मैं उसी टाइम आ गई थी ये 3:30 बजे स्टेशन पे। बट एक घंटा इन लोग स्टेशन पे ही रुक गया और उसके बाद मेरे पास 4:30 बजे आई, 4:30 बजे कॉल की थी, तो मैं मेरे घर पे आई उस टाइम से मैं जगी हूँ और फटाफट अब काम कर लेती हूँ। बट मुझे कोई फील नहीं हुआ है कि मैं 4:30 बजे उठी हूँ, बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई महसूस ही नहीं हुआ। सो मैं भी जल्दी उठ गई थी, सौर्य भी उठ गया था, बच्चे लोग को भी खुशी लगता है अगर कोई आता है घर में तो। चलिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो के देख सकते हो आप लोग, अब मैं चलती हूँ अपने ऑफिस की ओर। तो पहले मैं रिंग में चेंज कर लेती हूँ चाबी। ए रिंग मेरा कैसा लग रहा है, ओह माय गॉड, गिर गया, देख सकते हो रिंग पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या लिखा हुआ है रिंग पे। मेरे खातिर कुछ भी न लाया मेरा बलमा, मेरे खातिर तो चलिए गाइज प्लीज, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय कीजिए आप लोग।